हेलो स्टूडेंट, अध्ययन गुरु चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमारी अभी जो सीरीज चल रही है वो इनपुट डिवाइस के ऊपर चल रही है। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी माउस के बारे में कि माउस क्या होते हैं और उसके कितने टैप्स होते हैं, तो उसके दो पार्ट्स बने थे। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो वीडियो को पहले जाकर देख ले। और आज हम एक नई चीज सीखेंगे कीबोर्ड के बारे में। अक्सर आपने लैपटॉप या फिर आपका जो हो गया पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप वगैरह, आपने कहीं ना कहीं कीबोर्ड का यूज जरूर किया होगा। लेकिन कीबोर्ड से जानकारी अगर आपको लेनी है तो इस वीडियो में बने रहे, क्योंकि आप कीबोर्ड चलाना तो जानते हैं लेकिन आप उनके बारे में नहीं जानते हैं कि कीबोर्ड को किसने बनाया, कब बनाया, कीबोर्ड कितने टाइप्स के थे, पहले कैसे थे और आज के मॉडर्न के हिसाब से आखिर कीबोर्ड कैसे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कीबोर्ड के ऊपर। तो बेसिकली आपने कहीं ना कहीं कीबोर्ड से देखे होंगे और आपने मार्केट में अलग अलग टाइप्स का कीबोर्ड देखा होगा। जैसे कि हमारे पास एक डेल का कीबोर्ड यहाँ पे अवेलेबल है और आप देख सकते हो कि इस डेल के कीबोर्ड में किस टाइप के डिजाइन दी गई हैं। हो सकता है कि आपने मार्केट में अलग अलग टाइप्स के डिजाइन देखे होंगे। ठीक है, और ये कभी आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो कि सर कीबोर्ड में कितने बटन्स होते हैं, क्या सर 100 होते हैं या 200 होते हैं, आखिर कीबोर्ड में कितने बटन्स होते हैं। देखिए, आपको कीबोर्ड में बटन्स की अगर संख्या पता करनी हो तो आप ये मान के चलो कि कीबोर्ड में 105 कीज होती हैं। ठीक है, कुछ लोग 104 बोलेंगे कि सर 104 होती हैं, कुछ लोग 110 बोलेंगे, तो सबका मानना बिल्कुल सही है। हर एक कीबोर्ड में आपको कुछ ना कुछ एक दो की ज्यादा मिलेंगे या फिर कम मिलेंगे। होता क्या है कि एक नॉर्मल सा कीबोर्ड होता है तो उसकी कीज होती है वो 105 होती है, लेकिन कुछ मल्टीमीडिया कीबोर्ड है तो हो सकते हैं कि उसके 10 कीबोर्ड है। तो ये कोई माना नहीं जाता है कि 105 है या फिर 110 है, लेकिन हाँ अगर क्वेश्चंस में आ जाए तो आपको ऑप्शंस में 105 जरूर मिलेगा। तो आपको 105 पे टिक लगाना है कि कीबोर्ड में जो की संख्या होती है वो 105 होती है। हाँ, अगर मल्टीमीडिया कीबोर्ड है तो आप नन ऑफ दिस पर टिक लगा दीजिए कि इसकी कोई संख्या नहीं होती कि 105 है, 10 है, 8 है, कौन है, किसी को नहीं पता। ठीक है, तो जो नॉर्मली जो कीबोर्ड होती है उनकी जो कीज की जो संख्या होती है वो 105 होती है। आखिर कीबोर्ड में जो बटन्स देखते हो आप कि यहाँ पे लिखी होती है ABCD वाली, इन बटन्स को क्या बोलते हैं, 1 2 3 लिखी होती है, इन बटन्स को क्या बोलते हैं, और आप देखते हो कि F1, F2, F3, F12 तक लिखी हुई है, आखिर इस बटन को क्या बोलते हैं, और आप देखते हो कि कंट्रोल, विंडो, शिफ्ट, ठीक है, ये वाले बटन्स को क्या बोलते हैं, या फिर आप देखते हो क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और जो सिंबल्स वगैरह आप देखते हो, आखिर इन कीज को क्या बोला जाता है। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और आज आपको कीबोर्ड की पूरी जानकारी इस क्लिप में मिलने वाली है। ठीक है, तो कीबोर्ड में कई सारी कीज होती हैं, उनको जानने से पहले एक हम पुराने हिस्ट्री में चले जाते हैं कि जब हमारे पास कंप्यूटर्स आए तब हमारे पास कीबोर्ड नहीं था, जब हमारे पास कंप्यूटर्स आए तब हमारे पास माउस नहीं था। तो बात हम कर रहे हैं कि कीबोर्ड जो पहले टाइप का था वो किस टाइप का था, और अभी जो मैंने दिखाया कीबोर्ड वो कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। तो बात हो रही है कि पहले के समय में जो कीबोर्ड था वो कैसा था। आपने एक मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन की बागबान, और बागबान में आपने मूवी में अमिताभ बच्चन को एक टाइपराइटर चलाते देखा होगा जहां पर वो अपनी हिस्ट्री लिखते हैं। तो बिल्कुल सेम टू सेम सबसे पहले देखिए जो कीबोर्ड बनाया था वो क्रिस्टोफर लैथम, क्रिस्टोफर लैथम ने सबसे पहला कीबोर्ड बनाया था, और वो जो कीबोर्ड था बिल्कुल सेम वैसा ही देखने को मिल रहा है जैसे कि अमिताभ बच्चन ने बागवान मूवी में कीबोर्ड का यूज किया था। तो वो कीबोर्ड नहीं था, वो टाइपराइटर था, और टाइपराइटर में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम तो ये लगती है कि आज के कीबोर्ड के हिसाब से क्या है, आप लिख रहे हो और कोई चीज मिस्टेक हो गई है तो आप एक बैक का ऑप्शन मिलता है तो बैक पे क्लिक करते हो, वो चीज डिलीट हो जाती है जो गलती से टाइप हो गई है। लेकिन अगर आप टाइपराइटर यूज कर रहे हो तो उसमें साथ ही साथ एक पेपर भी लगा होता है जहां पर हम टाइप कर रहे होते हैं और वो डायरेक्ट प्रिंट होता चला जाता है। कोई मिस्टेक हो गई तो आप उसे सही नहीं कर सकते हो, मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, उस पेपर को बाहर फेंकना होगा। तो ये टाइपराइटर में प्रॉब्लम थी। और आज के कीबोर्ड के हिसाब से आप देखते हो कि कीबोर्ड में ए ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है,
फिर एस लिखा हुआ है, फिर डी लिखा हुआ है, ए बी सी डी सीरियल से क्यों नहीं होती है? ये भी आपके माइंड में अक्सर कहीं ना कहीं देखा ही होगा कि सर ए बी सी डी ये तो सीरियल से होती है, लेकिन कीबोर्ड में ए बी सी डी सीरियल से क्यों नहीं होती है? प्रॉब्लम ये थी कि सबसे पहला जो क्रिस्टोफर लैथम ने टाइपराइटर कीबोर्ड को बनाया, तो उस समय जो अल्फाबेट थे वो असल में सीरियल से थे, ए बी सी डी ये बिल्कुल सीरियल से थे, लेकिन फिर उसको हटाया क्यों गया? देखिए टाइपराइटर जो कीबोर्ड होते हैं उनके अंदर एक नोजल टाइप की लगी होती है, ठीक है, नोजल, तो उस नोजल के ऊपर सारे अल्फाबेट सीरियल से लिखे थे, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि नोजल ये और ये मैकेनिकल कीबोर्ड थे। पहले के समय में जो टैप राइटर था वो मैकेनिकल कीबोर्ड था, और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड है। तो पहले के टाइम में मैकेनिकल था, और ए बी सी पास में होने की वजह से हमने ए टैप किया, टैप हो गया, बी हो गया, सी हो गया, लेकिन फिर हमें कभी कभी स्पीड में टैप करने की जरूरत पड़ती थी, तो हम लोग स्पीड में ए बी सी डी टैप करते थे, और कभी कभी ये क्या होते थे, आपस में नोजल भिड़ जाते थे और ये जाम हो जाते थे। फिर कीबोर्ड को पूरा खोलना होता था, फिर उसको प्रॉपर सफाई देनी होती थी, फिर सबको अलग करना होता था। तो पास में अल्फाबेट होने का मतलब ये था कि ये कीबोर्ड आपस में जाम हो जाते थे, जिनकी वजह से टाइपराइटर कीबोर्ड खराब हो जाते थे। तो ये प्रॉब्लम थी पहले के समय में, और आज एक नई बात सीखने को मिल रही है कि इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड में अल्फाबेट और न्यूमेरिकल तो आपने सीरियल से देखी होगी 0, 1, 2, 3, लेकिन अल्फाबेट कभी भी सीरियल से देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत समय पहले थी, अब वो ये प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ए बी सी डी होती है, जो क्वेश्चन मार्क होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, जो कंट्रोल होते हैं, शिफ्ट होते हैं, इन बटन्स को आखिर बोला क्या जाता है। तो हम यहाँ पर कुछ कीबोर्ड के बारे में जान लेते हैं कि किस की को आखिर क्या बोला जाता है। तो एक की होती है आपकी फंक्शन की, फंक्शन कीज, ठीक है। दूसरा आप यहां पे लिख सकते हैं अल्फाबेट, अल्फाबेट कीज, ठीक है। तीसरा आप ले सकते हैं न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल कीज, ठीक है। आप ले सकते हैं पंचुएशन कीज, कीज, आप ले सकते हैं स्पेशल कीज। देखिए कभी कभी क्वेश्चंस में स्पेशल भी लिख के आता है, और कभी कभी इसी टाइप के क्वेश्चंस में मॉडिफाई की लिख के आता है, मॉडिफाई, और कभी कभी तो लिख के आता है कमांड, ठीक है। और भी यहां पे कीज होते हैं, जैसे हमारा हो गया फंक्शंस, अल्फाबेट, न्यूमेरिकल, पंचुएशन एंड स्पेशल, और आप ले सकते हैं एरो कीज, अब बात करते हैं कि जो फंक्शंस होते हैं उनके अंदर कौन कौन से कीज आते हैं, अल्फाबेट में कौन कौन से आते हैं, न्यूमेरिकल में कौन से आते हैं, पंचुएशन में कौन से आते हैं, और आपकी स्पेशल और एरो कीज में आखिर कौन कौन से कीज होते हैं, ठीक है। तो आपने कीबोर्ड में सबसे फर्स्ट लाइन स्टार देखी हुई है, स्केप को छोड़कर, ठीक है, ये फर्स्ट बटन होती है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ दिया जाता है कि कीबोर्ड में सबसे फर्स्ट बटन कौन सी होती है, तो आपको स्केप के ऊपर टिक लगाना है, अभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए सबसे सीरियल लाइन ऊपर देखने को मिलेगी, ये वन, एफ टू, एफ थ्री, एफ ट्वेल्व तक आपको देखने को मिलेगी, तो ये होती है एफ वन से लेकर एफ टू, एफ थ्री, डॉट डॉट डायरेक्ट आप ले सकते हो एफ ट्वेल्व, तो ये टोटल आपके या 12 होते हैं, या 1 से लेकर या 12 तक जो कीज होती है वो कहलाती है फंक्शन कीज। और अल्फाबेट ये तो आपने फर्स्ट क्लास में सीख लिया होगा कि अल्फाबेट किसे बोला जाता है, तो ए बी सी डी जो होती है उनको ही अल्फाबेट बोला जाता है। तो ये जो होती है आपकी ए से लेकर जेड तक, कीबोर्ड में आपने देखा होगा ए बी सी डी लिखी होती है, जेड तक लिखी होती है, तो वो कहलाते हैं अल्फाबेट। और न्यूमेरिकल ये भी आपको पता होगा, जो नंबर्स होते हैं कीबोर्ड में वो न्यूमेरिकल कराते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक ये आपके न्यूमेरिकल होते हैं। फिर पंचुएशन कीज क्या होते हैं, आपने कीबोर्ड में देखा होगा
क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और आपने देखा होगा कामा, ठीक है, आपने देखा होगा कॉलन, ठीक है, इस टाइप के आपने सिंबल्स वगैरह देखे ही होंगे, तो ये कहलाते हैं आपके पंचुएशन कीज। आप ऐसे समझ ले कि ऐसे कीज जो कोष्टक्स वगैरह दिखाई दें वो कहलाते हैं आपके पंचुएशन कीज। अब आते हैं स्पेशल मॉडिफाई कमांड, चाहे तो आप स्पेशल बोल सकते हो या मॉडिफाई बोल सकते हो या कमांड। और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि मॉडिफाई की क्या होती है, असल में मॉडिफाई स्पेशल कमांड एक ही बात होती है। और इस कीबोर्ड में आपने देखा ही होगा जैसे कंट्रोल, कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है, और आपका कैप्स लॉक, कैप्स लॉक, ठीक है, ईटीसी आप लिख देते हैं तो कंट्रोल ले सकते हैं, शिफ्ट ले सकते हैं, कैप्स लॉक ले सकते हैं, विंडो ले सकते हैं। इस टाइप के अगर आपको कहीं भी की दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि वो मॉडिफाई की है या फिर स्पेशल की है, ठीक है। विंडो, कंट्रोल, शिफ्ट और आपकी स्पेस बार, कैप्स लॉक, इस टाइप के जो कीज होते हैं वो स्पेशल कीज कहलाते हैं। एरो की क्या होते हैं, एरो की में आ जाती है आपकी अप की, ठीक है, डाउन की, लेफ्ट राइट वाली की आ जाती है, तो इस टाइप की जो एरो वाले चिन्ह होते हैं वो कहलाते हैं एरो कीज। तो ये आपके इतने सारे कीज आपको कीबोर्ड में देखने को मिलेंगे। आई होप कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कीबोर्ड में जो सिंबल्स होते हैं, जो कोष्टक्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, जो शिफ्ट कंट्रोल होते हैं, उन कीज को आखिर क्या बोला जाता है। तो ये सारे के सारे फीचर्स आपको कीबोर्ड के अंदर ही मिलेगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी हिस्ट्री भी जान लेते हैं कि सबसे पहला जो टाइपराइटर बनाया गया था वो कौन सा बनाया गया था। तो टाइपराइटर जो बनाया गया था वो 1869 में ये टाइपराइटर बनाया गया था, टाइपराइटर, क्योंकि उस टाइम हमारे पास कीबोर्ड ही नहीं थे। तो फिर कीबोर्ड जो आप देखते हो अब वो उस टाइप का है, वो किसने बनाया, तो क्रिस्टोफर लैथम, इन्होंने कीबोर्ड को बनाया सन 1874 में, सबसे पहला कीबोर्ड बनाया था 1874 में, ठीक है, और उस कीबोर्ड का नाम था क्वार्टी, क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई। इसका नाम असल में क्वार्टी कैसे पड़ा, तो जैसे आप कीबोर्ड में देख सकते हो, ठीक है, अल्फाबेट में लिखा होता है क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई, ये लिखा हुआ है क्वार्टी। तो हमने जब कीबोर्ड को, यानी कि क्रिस्टोफर ने कीबोर्ड को जब अल्फाबेट को इधर उधर सही कर दिया, उसके बाद टाइपिंग की स्पीड में की, तो ये कभी खराब नहीं हुए और ये अच्छे से वर्क किए। तब उन्होंने समझा कि अब जाकर कहीं ना कहीं हमारा कीबोर्ड रेडी हो चुका है। तब उन्होंने सोचा कि इस कीबोर्ड को कोई एक नाम दिया जाए। तब उन्होंने देखा कि अल्फाबेट में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई यू आई, तो उन्होंने क्या किया, क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई इतना नाम लिया और उन्होंने एक नया नाम दे दिया क्वार्टी। और ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि सबसे पहला कीबोर्ड कौन सा है, तो आप क्वार्टी का नाम लेंगे, ठीक है, सबसे पहला। और देखिए कीबोर्ड में एक चीज आपने देखी होगी कि कीबोर्ड में केबल दी जाती है और इस केबल में आपको इस टाइप की यूएसबी देखने को मिलेगा। ये यूएसबी वैसी है जैसे आप अपने मोबाइल में चार्जर में देखते हो, तो इस चार्जर को अपने एडाप्टर में लगाते हो, उसके बाद अपना मोबाइल चार्ज करते हो, तो ये यूएसबी कहलाती है। लेकिन फर्स्ट टाइम में जब कीबोर्ड को बनाया गया था तो उस टाइम यूएसबी नहीं था, PS2 के नाम से जानते, PS2। आप कभी भी कंप्यूटर में देखिएगा, ठीक है, और कंट्रोल पैनल में जाइएगा और वहां पे देखिएगा, जाकर आपको PS2 का कीबोर्ड मिलेगा। तो ये फीचर्स पहले थे, तो PS2 USB की तरह नहीं थे, ये गोल हुआ करते थे। और जो हम लोग मॉनिटर देखते हैं, आपका CPU जो होता है उसके अंदर भी लगाने के लिए एक गोल नेविगेटर दिया जाता था, तो गोल USB होता था और आजकल USB चौखंडा होता है, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ पॉइंट्स, फंक्शन कीज, अल्फाबेट, न्यूमेरिकल्स। सबसे पहला टाइपराइटर 1869 में बनाया गया था क्रिस्टोफर लैथम द्वारा, और 1874 में फिर क्रिस्टोफर लैथम ने कीबोर्ड को इधर उधर किया और एक बेहतरीन कीबोर्ड तैयार किया, उसका नाम पड़ा क्वार्टी, क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई, ये क्वार्टी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
और आपको ये स्पेलिंग याद रखनी है क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई, क्योंकि ऑप्शन में दिए जाते हैं एक दो इधर उधर कर दिए जाते हैं, आर को उठाकर इधर कर दिया, ई को इधर कर दिया, टी को इधर कर दिया, वाई को इधर कर दिया, और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्वार्टिक स्पेलिंग क्या होती है। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉइंट्स, इनको नोट कर लीजिए, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उनको सॉल्व जरूर करें। और देखिए कि सबसे पहले बात तो ये है कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो कीबोर्ड्स वगैरह होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कीबोर्ड को हम लोग इनपुट डिवाइस के नाम से जानेंगे, क्योंकि इससे हम लोग कंप्यूटर को एक इनपुट देते हैं, एक कमांड देते हैं। ठीक है, और प्लस कीबोर्ड को केवल केवल टाइपिंग के लिए ही बनाया गया है, कंप्यूटर से बात करने के लिए बनाया गया। और ये क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है कि इन चारों ऑप्शंस में ये बताएं कि गेम किस डिवाइस से खेला जाता है। तो आपको वहां पे कीबोर्ड भी ऑप्शंस मिलेगा, माउस भी मिलेगा, जॉयस्टिक भी मिलेगा, और भी कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन आपको कीबोर्ड पे टिक नहीं लगाना है। बेशक आप कीबोर्ड से गेम खेल लेते हो, लेकिन कीबोर्ड केवल टाइपराइटर के लिए बनाया गया था, ना कि गेम खेलने के लिए। गेम खेलने के लिए एक अलग डिवाइस बनाई गई थी, वो थी जॉयस्टिक, लेकिन आपको कीबोर्ड पर टिक नहीं लगाना है। आप कीबोर्ड से गेम जरूर खेलते हो, लेकिन कीबोर्ड केवल इसलिए बनाया गया था कि आप उससे केवल टाइप कर सको और कंप्यूटर से बात कर सको। कीबोर्ड को कभी भी गेम खेलने के लिए नहीं बनाया गया था। तो कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं कि कीबोर्ड क्या है। तो ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, और कीबोर्ड को किसने बनाया, तो क्रिस्टोफर लैथम ने बनाया था। कब बनाया था, तो 1874 में। कौन सा कीबोर्ड बनाया था, तो क्वार्टी, ये सबसे फर्स्ट कीबोर्ड है। और टाइपराइटर को तो 1869 में बनाया था, और ये कभी क्वेश्चंस पूछा नहीं आता है, बस केवल ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट कीबोर्ड कौन सा था, तो आप क्वार्टी के ऊपर टिक लगाएंगे। फंक्शंस की आपको पता हो चुकी है, ये वन से लेकर एफ 12 तक होती है। अल्फाबेट ये भी आपको पता चल चुका है, ए से लेकर जेड तक। न्यूमेरिकल ये लिखे हुए हैं। पंचुएशन आप ऐसे समझ लो, जो कोष्टक्स वगैरह होते हैं वो कहलाते हैं आपके पंचुएशन कीज। स्पेशल की के अंदर आ जाती हैं, स्पेशल की के अंदर आ जाती है जैसे कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, और आपका कैप्स लॉक हो गया, स्कैप की होगी, ऐसे कीबोर्ड की के पॉइंट्स जो स्पेशल काम करने के लिए यूज किए जाए, तो वो कहलाते हैं आपके स्पेशल कीज। एरो की का मतलब आप ऊपर जा सकते हो, नीचे जा सकते हो, लेफ्ट राइट। और कीबोर्ड में एक लास्ट पॉइंट आपका ये होता है इंडिकेट की। इंडिकेटर की देखिए तीन टाइप्स के होते हैं। आपने कीबोर्ड में लाइट देखे होंगे, वो इंडिकेट करती हैं। तो आपके कीबोर्ड में तीन टाइप्स की लाइट होती हैं, ठीक है। एक होता है आपका नम लॉक, ठीक है। दूसरा होता है आपका स्क्रॉल, और तीसरा होता है कैप्स लॉक। तो जो आप यहां पे लाइट देखते हो, ठीक है, जब हम कीबोर्ड जलाते हैं तो लाइट जलती है, कभी कभी दो जलती है, कभी तीनों जल जाती है। तो क्योंकि तीनों का मतलब क्या होता है, नम लॉक का मतलब आप ऐसे देख लीजिए कि ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं न्यूमेरिकल, आप इसे टैप करोगे काम नहीं करेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे दिया गया एक नम लॉक, इसको ऑन करोगे एक लाइट जल जाएगी, जिसका मतलब ये होता है कि अब आप इधर वाली बटन का यूज कर सकते हो। दूसरा आपका स्क्रॉल, पहले कैप्स लॉक देखते हैं। देखिए कैप्स लॉक आपको यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। कैप्स लॉक का मतलब आप एबीसीडी टाइप करोगे तो आपको छोटे अक्षर में दिखाई देगा ए बी, और आपको कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में नहीं लिखना है। तो आप शिफ्ट को दाबे रहोगे और जितने भी अल्फाबेट टाइप करोगे वे सारे के सारे आपको बड़े अक्षर में दिखाई देंगे, लेकिन आप चाहते हो कि मैं शिफ्ट को ना दाबू और ये बड़े अक्षर में दिखाई दे, तो आप कैप्स लॉक पे क्लिक करेंगे और दूसरी लाइट जल जाएगी, और फिर आप ए टाइप करोगे तो ये बड़ा बड़ा लिख के आएगा। तीसरा जो होता है वो ऑन और ऑफ के लिए होता है। ये तीसरा ऑटोमेटिक तब जलता है जब आप केबल अपने सीपीयू से कनेक्ट करोगे, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी कीबोर्ड अभी एक्टिवेट है। तो ये तीन टाइप्स की लाइट होती है, तो आपको याद रखना है कि ये जो तीन टाइप्स की जो आपकी इंडिकेटर की होती हैं उनका काम क्या क्या होता है। तो ये कीबोर्ड से पूरी जानकारी थी जो कि आपको इस वीडियो में मिल चुकी है। अगर आपको भी ऐसे कोई कंफ्यूजन है कि ये चीज छूट गई है या फिर ये चीज रह गई है, ये चीज नई सिखाने को मिली है, तो आप कमेंट जरूर करें कि हमने सर एक नई चीज सीखी है, या फिर सर ये चीज टॉपिक अभी समझ में नहीं आया, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाए, तो हम उसके ऊपर अलग से जरूर वीडियो बनाएंगे। बस आपको केवल कमेंट बॉक्स में एक फीडबैक देना है कि आपको पसंद आया या फिर नहीं पसंद आया। पसंद आया तो फिर भी कमेंट करें कि नाइस वेरी, जो भी आपको करना हो, या फिर पसंद नहीं आया फिर भी आप कमेंट करें कि ये टॉपिक समझ में नहीं आया।